तो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है आपके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 52 गज का दामन गाने के बारे में। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है, तो सीरियसली लेनी नहीं है, सिर्फ मजे के लिए देखना है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आगे बात करने से पहले बात कर लेते हैं इस गाने के स्टार कास्ट के बारे में। तो इस गाने के अंदर आपको दिखाई देते हैं अमन जाजी एंड प्रंजल दहिया। वहीं अगर हम बात करें इस गाने के सिंगर की तो वो है रेणुका पवार। और चलो अब इस गाने की कुछ माइनर मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो कि सिर्फ मजे के लिए बनाई गई है। समझ रहे हो आप? यहाँ पर ये सभी लड़कियाँ इस तालाब पर पानी लेने आती हैं, लेकिन बिना पानी लिए ही क्यों चली जाती हैं? मतलब अगर इनके मटकों में पानी होता ना, तो जिस तरह से इस लड़की ने मटका पकड़ रखा है उस तरह से अगर ये पकड़ती और इसमें पानी होता तो पानी कहीं ना कहीं गिरता जरूर। लेकिन यहाँ तो कोई पानी गिर ही नहीं रहा होता है, मतलब मटके बिल्कुल खाली होते हैं। तो अगर इनको इस तालाब से पानी ले जाना ही नहीं था तो फिर ये यहाँ पे मटके लेके क्यों आई थी? सिर्फ मटकने के लिए? मैं नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर इस सीन के अंदर अमन भाई इससे पूछता है, ओ मेरी सासू की, भर ले पानी। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल कि पानी कहाँ है? अगर मटकों में पानी होता तो कोई भी मटकों को ऐसे नहीं ले पाता। इसको समझने में देर लगेगी। यहाँ पे इस सीन में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पे दिन का टाइम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इतनी सारी लाइटें लगा के पता नहीं क्यों चला रखी हैं। मतलब भाई अगर बिजली कुछ ज्यादा है तो हमारे यहाँ भेज दो, ऐसे दिन में लाइटें कौन चलाता है यार। आशीष भाई इनको तो यार आप ही कुछ बोलो। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? बाप पे जाना नहीं। अब बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? बाप पे जाना नहीं। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? बाप पे जाना नहीं। यहाँ पर इस सीन में दिखाया जाता है कि ये सभी लड़कियाँ नीर यानी कि पानी लेने जा रही होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पीछे देखा जाए तो पीछे दो दो पानी की टंकियाँ लगी होती हैं। मतलब यहाँ पे पानी की तो पूरी व्यवस्था होती है, लेकिन पता नहीं क्यों इन मैडम को तालाब में पानी लेने जाना है और वहाँ से भी खाली मटकों को सिर के ऊपर रख के वापस चले आना है। मतलब मैडम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई ना तुम? नहीं। इस सीन को जरा ध्यान से देखो। जब मैंने इस सीन को विदाउट वॉइस या फिर विदाउट गाने के देखा ना, तो जिस तरह से ये लड़की पैसे लेती है ना, उसे देखकर तो पबजी के उन बंदों की याद आ गई थी मुझे, जो फाइट तो बिल्कुल नहीं करते लेकिन जैसे ही कोई टीम बंदों को नॉक करती है तो जल्दी से चुपके से उनका किल जरूर चुरा लेते हैं। अगर आप में से कोई पबजी खेलता है तो आपको मेरी बातें फील हो रही होगी। तो ये लड़की भी जिस तरह से पैसे लेती है ना, उसे देख के मुझे बिल्कुल किल चोर लगी थी, क्योंकि यार अमन भाई पैसे इस बंदे को दे रहे थे लेकिन जैसे ही देने वाले थे तो लड़की ने पीछे से जल्दी से चुरा लिए। और यहाँ पर अमन भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखे तो यार इनके ऊपर म्यूजिक होना चाहिए। तो भाई चलाओ म्यूजिक। इस सीन में पहले ये बंदा ऐसे छाता लेके खड़ा होता है, लेकिन बस एक सेकंड के बाद ये बंदा अपने आप ही ऐसे खड़ा हो जाता है। मतलब बिल्कुल जादू। तो भाई अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला, इससे आगे जो भी बोलेंगे अपने केरी भाई बोलेंगे। तो केरी भाई बोलो, और केरी भाई की बात आप सभी को माननी होगी, जो वो बोलेंगे वो आपको करना होगा। तो चलो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये मत बोल देना कि भाई वीडियो छोटी थी, 2.5 मिनट का रैप था, मीटर से सिर्फ इतना ही बनता है। चलो अब लाइक मारो, एम करते हैं 3500 लाइक्स के लिए। और अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? क्या दुश्मनी है? तुम्हारा स्वैग लेवल नहीं बढ़ता क्या? मेरा बढ़ता है, करो उस पे अपनी गाड़ी चढ़ा दो या फिर रुमाली रोटी फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।